सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 18 जून है और दिन है शनिवार। सबसे पहले तो आप सबको बरसात जो कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के एरिए में हुई है उसकी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि किसानों के लिए बरसात की बड़ी ज़रूरत थी। नहरों के अंदर पानी बहुत कम था, खास करके राजस्थान के अंदर, और बरसात के चलते जो बैरानी ज़मीन वाले हमारे किसान हैं, चाहे नहरी वाले भी हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो आप सबको सीजन की, मानसून की पहली बरसात की बहुत बहुत बधाई हो। चर्चा करेंगे साथियों, जैसा कि रोज़ अपने चर्चा करते हैं, सरसों के ऊपर, नरमा, ग्वार और चना के ऊपर। विनोद जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने वीडियो को शेयर किया है। जितने भी साथी जुड़े हो भाई, सारे वीडियो को शेयर करते जाना, ताकि जो है अपने और साथी जुड़ जाएं, फिर जो है अपनी बातचीत चालू करेंगे। सरसों के अंदर आज गिरावट थी, उसका कारण क्या था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सूरज जी, आपका भी धन्यवाद। और गेहूं स्टेबल था, ग्वार भी स्टेबल था, चना और नरमा भी आज स्टेबल था, तो चर्चा करेंगे सारी फसलों के ऊपर। साथियों, जितने भी साथी जुड़े हो भाई, एक एक शेयर का बटन दबा दो, ताकि और साथी जो है जुड़ जाएं साथ में। संधु साहब, आपका भी धन्यवाद, आपने रोज की तरह फिर आज वीडियो को शेयर किया है। सबसे पहली चर्चा गेहूं के ऊपर, छोटी चर्चा करेंगे गेहूं, ग्वार, चना, नरमे के ऊपर, उसके बाद एक बड़ी चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर। तब तक आप सारे साथी जुड़ जाओ और वीडियो को आगे बढ़ा दो, ताकि और साथी जुड़ जाएं। देखिए, गेहूं के अंदर आज 20 स्टेबिलिटी, बड़ा विनम्र निवेदन किया था मैंने सोमवार को कि गेहूं के अंदर जो है कोई बहुत बड़ी तेजी साथियों नहीं बनेगी इस सप्ताह में, और वही हुआ, कोई बहुत बड़ी जो है तेजी साथियों नहीं आई है। एक चीज और बता दूं, आज बारिश थी और काफ़ी मंडियों से फोन आए कि आज जो है बोली नहीं हुई है, खरीदार नहीं मिला है कोई, तो कारण उसका यही था कि बारिश की वजह से आज खरीदार जो है नहीं आए। व्यापारी लोग जो थे उन्होंने आज व्यापार नहीं किया, और काफ़ी सारी धान मंडियों के अंदर जो है साथियों व्यापार आज नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से जो है नहीं हुआ। गेहूं के अंदर कोई बड़ी तेजी नहीं आज, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं, लेकिन सुनने में ये आया है कि जो गेहूं की सरकारी खरीद 10 जून को बंद कर दी गई थी, अब शायद उसको 30 जून तक लेके जाया जा रहा है। पुख्ता सूचना जैसे मेरे को मिलेगी, सरकारी खरीद MSP के ऊपर, काफ़ी साथियों के फ़ोन आते हैं कि गेहूं की सरकारी खरीद बंद हो गई, हम लोग गेहूं को बेच नहीं पाए, ये वो। जैसे पुख्ता सूचना मिलेगी आपको पेज के ऊपर अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी की अपडेट ये है कि शायद सरकारी खरीद गेहूं की जो है 30 जून तक बढ़ा दी गई है। थोड़ी देर बाद मैं आपको जो है एक स्टेटस डाल के अपडेट साथियों कर दूंगा। कुलदीप बेरू जी, आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। बात करें साथियों चने की, तो कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं चने के अंदर, स्टेबिलिटी है, कोई बहुत बड़ी तेजी बनती हुई नजर नहीं आ रही। कारण साफ है, क्योंकि चने की जो डिमांड थी इस सप्ताह के शुरू में बनती हुई नजर आ रही थी। हालांकि दलहन की जितने भी फसलें हैं, चाहे वो चना है, चाहे वो मूंग है, आगे चल के हो सकता है एक उसके अंदर जो है तेजी बन जाए, फंडामेंटल इनका मजबूत है, लेकिन अभी इस सप्ताह में बहुत बड़ी तेजी नहीं है। अगले सप्ताह में इनके भाव कैसे रह सकते हैं उसके ऊपर चर्चा अपने कल रात को 8:30 बजे एक स्पेशल लाइव करेंगे, तो साथियों आप जो है जरूर जुड़ना, आपको वहां पे जानकारी इसकी जरूर देंगे। नरमे की बात करें, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं नरमे के अंदर भी, और जैसा पूरे सप्ताह के अंदर रुख रहा कि एक दिन नरमा 100 रुपये बढ़ा, 200 रुपये बढ़ा, 300 बढ़ा, फिर 300 डाउन हो गया, फिर 100 बढ़ा, 200 बढ़ा, 300 डाउन हो गया, वही रहा नरमे के अंदर भी। आज कोई बहुत बड़ी तेजी जो है साथियों बनती हुई नजर नहीं आई। ग्वार की बात करें, काफी साथी पूछते हैं, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दें। सरसों के ऊपर एक लंबी चर्चा करेंगे अपने आज, तो ग्वार के भावों के अंदर भी आप सुस्ती कह सकते हो, स्टेबिलिटी कह सकते हो, लेकिन ग्वार के अंदर भी आज तेजी साथियों देखने को जो है नहीं मिली है। कारण साफ है, आगे मानसून आ रहा है और मानसून की जो बारिश है उसके ऊपर ग्वार की बिजाई काफ़ी हद तक डिपेंड करेगी। क्या क्राइटेरिया रहता है, कितनी बिजान होती है उसकी, उसके ऊपर जो है काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो ग्वार के अंदर भी आज भी साथियों बहुत बड़ी तेजी जो की नहीं थी। किसी भी साथी का कमेंट शो नहीं हो रहा आज, पता नहीं क्या बात है, शायद कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और मुझे ये भी पता नहीं लग रहा कि कितने साथी जुड़े हैं आज। लास्ट में कुलदीप देरू जी ने वीडियो शेयर की है, वही जुड़े हैं, वही मुझे शो हो रहा है, इसके ऊपर मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो आपसे भाई निवेदन है, शायद कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं तो फिर अपने जो है दोबारा इसको लाइव साथियों कर लेंगे।
पुनः निवेदन की एक एक शेयर कर दें ताकि और साथी जुड़ जाएं। बात करते हैं साथियों सरसों की। किसी भी साथी का कमेंट शो नहीं हो रहा है, शायद कोई टेक्निकल इशू है आज। किसी भी भाई का कमेंट शो नहीं हो रहा है आज। आपसे निवेदन है कि एक एक कमेंट करके बताएं कि शायद कोई लाइव के अंदर प्रॉब्लम है या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। अक्सर ऐसा होता नहीं है लेकिन आज शायद कोई प्रॉब्लम है। खैर, मुझे लग रहा है कि शायद कोई टेक्निकल इशू है। जो भाई जुड़े हैं आपसे निवेदन है कि भाई शेयर कर दो वीडियो को ताकि और लोग जुड़ जाएं, और एक एक कमेंट करके बताएं कि लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ भी शो नहीं हो रहा है, शायद कोई नेटवर्क का आज इशू है। खैर, चर्चा करते हैं साथियों सरसों के ऊपर। कमेंट आपके आ जाएंगे तो देख लेंगे, अभी तक कुछ भी शो नहीं हो रहा मेरे को। देखिए, सरसों के अंदर आज साथियों 100 रुपए तक की गिरावट कई बाजारों में आई, लेकिन उससे भी एक उलट खबर ये है कि 135 रुपए की तेजी कुछ बाजारों के अंदर देखी गई, यानी कि मिला जुला एक रिएक्शन था। आप सरसों को मंदी भी नहीं बोल सकते, आप सरसों को तेज भी नहीं बोल सकते, आप एक रिकवर्ड सेशन बोल सकते हो कि एक रिकवर्ड सेशन था। रिकवरी जो है सरसों के अंदर कुछ हद तक हुई है। बड़े प्लांट लगातार किसानों को डीमोनेटाइज डराने के पैनिक करने का काम जो है कर रहे हैं। आज भी भरतपुर ने लगभग 22 रुपए जो है तोड़ के बाजार खोला, डाउन खोला। दिल्ली स्थिर थी, सलोनी पहले स्थिर खुला, फिर 75 डाउन किए, फिर 25 तेज किए, ओवरऑल लगभग शाम होते होते 50 रुपए डाउन जो है आज सलोनी का भाव साथियों गया है। तो एक बाजार के अंदर पैनिक क्रिएट, एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आवकों की बात करें तो 2,30,000 कट्टे की आवक ओवरऑल आज साथियों हुई है, जो कि कोई बहुत ज्यादा आवक नहीं है। सरकारी आंकड़े तो 2,17,000 बताते हैं, लेकिन लगभग 2,30,000 कट्टे की जो है आवक साथियों आज सरसों की हुई है। सरसों का तेल लगभग 1 रुपया सस्ता हुआ है आज। उसका भी एक बड़ा कारण है, वो क्यों हुआ है, क्योंकि आगे चल के जो आने वाले दिन हैं, जैसे मानसून आएगा, मानसून आगे बढ़ेगा तो तेल की खपत बढ़ेगी। उन सब चीजों को देखते हुए जो रिटेलर लोग हैं, सरकार की भी पैनी नजर है, लगातार छापेमारी जारी है, तो उन चीजों को देखते हुए एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि आगे का जो डैमेज कंट्रोल है, जो आगे नुकसान हो सकता है, उसकी भरपाई के लिए आज से तैयारी की जा रही है, ताकि आज 1-2 रुपए इसको डाउन करके रखा जाए, आने वाले समय के अंदर इसको इसी लेवल के ऊपर जो है मेंटेन किया जा सके, इसी लेवल के ऊपर इसको जो है स्थिर किया जा सके। तो साथियों, कोई बहुत बड़ी गिरावट आप नहीं कह सकते। 150 रुपए की तेजी आज सरोनी में थी, दिल्ली स्थिर था, जयपुर के अंदर भी लगभग 50 रुपए की डाउन थी, और भरतपुर के अंदर 30 रुपए जो है आज सरसों डाउन थी। तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात साथियों नहीं लग रही कहीं भी, सरसों है नहीं, ये एक माहौल बनाया जा रहा है, ये एक पैनिक क्रिएट डर का माहौल बनाया जा रहा है, ताकि किसानों से जो है सरसों निकलवाई जा सके। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, मेरे को आज किसी भी भाई का कमेंट शो नहीं हो रहा, शायद जिन भाइयों ने शेयर किया है उनके कमेंट कोई मेरे को 5-7 शो हुए हैं, उसके बाद मेरे को किसी का कमेंट जो है शो नहीं हो रहा। शायद कोई टेक्निकल इशू है या कोई प्रॉब्लम है, वो खैर बाद की बात है। तो साथियों, सरसों के अंदर आज मिला जुला असर था, कुछ मंडियों में डाउन थी, कुछ मंडियों में तेज थी, कारोबार बहुत कम हुआ, बारिश का काफी असर दिखा सभी बाजारों के अंदर। बड़े प्लांट और वायदा आज बंद था, क्योंकि आज शनिवार था, लेकिन बंद सौदे कुछ हुए, और जिन मंडियों के अंदर कारोबार हुआ उनके अंदर जो है मिला जुला एक असर हमें देखने को मिला है, एक मिला जुला माहौल हमें देखने को मिला है। आप गिरावट भी नहीं कह सकते इसको, और आप कोई बहुत बड़ी तेजी भी नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हो कि भाव स्थिर है या फिर मेंटेन है भाव, आप ऐसा कह सकते हैं। लगता ये है कि जून महीने के बाद अच्छा माहौल सरसों के अंदर बनना चाहिए। पुनः आपसे निवेदन करूंगा, सौदा आपको अपने विवेक से करना है साथियों, लेकिन जो बाजार की स्थिति है, जो ओवरऑल फंडामेंटल क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर ये लग रहा है साथियों कि शायद आने वाले जो है कुछ दिन है, 10 दिन बाद या 7 दिन बाद, हो सकता है अगले सप्ताह में, क्योंकि बारिश चालू हो गई है। सबसे बड़ी बात थी बारिश और गर्मी। देखिए, जून का महीना सरसों के मामले में सबसे निकम्मा महीना होता है, मैंने बहुत बार आपको पहले भी अवगत कराया इस बात से।
तो जून का महीना जैसे ही निकलेगा या जैसे ही मान लीजिए पास आउट होगा, इसके पास हम लोग पहुंचेंगे, आगे जुलाई के नजदीक जाएंगे, तो शायद जो है एक माहौल हमें सरसों के अंदर अच्छा बनता हुआ नजर साथियों आ सकता है। तेल 1 रुपया सस्ता हुआ है, वो मैंने आपको बताया कि कारण साफ है कि अगले जो महीने हैं आने वाले उनका जो लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए अभी तेल कंपनियां जो है 1-1 रुपए या 1.5-1.5 रुपए करके डाउन इसको साथियों करेंगी। और जो वायदा बाजार था आज बंद था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय वायदा के अंदर सोयाबीन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, थोड़ी सी सोयाबीन जो है कमजोर लग रही है, लेकिन जो ये सरसों का तेल है या दूसरे मतलब कि जो भी इडिबल ऑयल्स हैं, जो खाने के तेल हैं, उनके अंदर कोई ज्यादा परेशानी नहीं लग रही। कारण साफ है कि ये तेल है ही नहीं, ना तो सरसों का तेल है, ना कोई बहुत ज्यादा पाम ऑयल है, ना कोई मूंगफली का जो है तेल है, ना कोई सोयाबीन का तेल है। भरपूर मात्रा में किसी भी देश के पास ये तेल उपलब्ध नहीं है। यही एक कारण है कि हम सबको ये लगता है कि शायद सरसों के अंदर एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। जो भाव सरसों 7,000 रुपये और जयपुर का लेवल 7,500 रुपये छोड़ के गई थी, वहां तक दोबारा जाना चाहिए एक बार, ऐसा साथियों लग रहा है। तो सरसों के साथियों को यही बोलूंगा कि कोई ज़्यादा कहीं भी घबराहट की जरूरत नहीं है। समय लग सकता है साथियों, बहुत सब्र किया आप लोगों ने, बहुत सब्र तो नहीं किया, खैर अभी 3.5-4 महीने हुए हैं, क्योंकि पिछले बार जो हमारे नरमे के साथी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र किया था और लगभग 8-9 महीने तक सब्र किया था और उन लोगों ने 14,000 रुपये नरमा अपना बेचा है। आज भी नरमा 12,500-11,000 के घरों के अंदर घूम रहा है साथियों। तो सब्र करना पड़ सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन स्थितियां ऐसी होती हैं साथियों, स्थिति पारिवारिक स्थिति कई बार हमारी, क्योंकि हम मैं खुद एक किसान फैमिली से जो है बिलोंग करता हूं, तो स्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं, पारिवारिक कंडीशन हमारी कई बार ऐसी हो जाती है कि हमें जो है सौदे करने पड़ते हैं। लेकिन विनम्र निवेदन करूंगा, अगर आपका काम चलता है, अगर आपका काम चल सकता है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आधी सरसों का सौदा करें, इससे ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि साथियों आने वाला जो समय है सरसों के अंदर, मुझे लगता है कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और एक अच्छी और एक शानदार और एक मजबूती सरसों के अंदर बननी चाहिए। कारण साफ है, पूरे विश्व के अंदर खाद्य तेलों की, इडिबल ऑयल्स की भयंकर कमी है। रशिया यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है, चाइना दोबारा लॉकडाउन के अंदर जो है चला गया है, चाइना के काफ़ी जो शहर हैं वो दोबारा लॉकडाउन के अंदर चले गए हैं। तो देखिए आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो साथी बहुत गौर रखते हैं, जो काफ़ी स्टडी करते हैं, ये जो सरसों का तेल है इसकी डिमांड कब से बढ़ी, एक सोचने वाली बात है। तो हालांकि वीडियो लंबी हो रही है, सरसों के तेल की डिमांड कब बढ़ी, जब से कोविड आया, कोविड के बाद सरसों के तेल की जो डिमांड है वो अचानक से बढ़ी, एकदम से बढ़ी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रस्टफुल तेल है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय तेल है, जिसके ऊपर सारे लोग विश्वास करते हैं कि सरसों के तेल का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी ज़्यादा असर नहीं है। तो 140 करोड़ की आबादी को तेल कितना चाहिए, मैंने कल भी आपको आंकड़े बताए थे, लगभग 4 से 4.5 लाख कट्टा डेली चाहिए और आपके हैं 2.5 से 3 लाख कट्टा, स्टॉक किसी के पास है नहीं। सरकार पूरी सख्त है, पूरी सख्त है, और सरकार आज भी सख्त है इस चीज को लेके कि स्टॉक किसी को करने देना नहीं। तो सरसों साथियों है नहीं, जो सरसों है वो आपके पास ही पड़ी है, वो किसानों के पास ही पड़ी है, किसी स्टॉकर के पास सरसों नहीं है। जितनी आज तक सरसों आई थी सारी रिफाइंड के अंदर चली गई, सारी रिफाइनरी के अंदर चली गई, तो ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सरसों के साथियों को यही बोलूंगा कि थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ सकता है, लेकिन आपको अच्छे भाव मिलने चाहिए, ऐसा साथियों लग रहा है। आज सरसों के भाव की बात करें, सिरसा 6,350, रेवाड़ी 6,800, हापुड़ 7,200, दादरी 6,600, चरखी दादरी और भरतपुर 6,690, कल से 22-23 रुपये डाउन है। गंगापुर 6,750, आगरा बीपी 7,350 रुपये डाउन, सलोनी 7,450 रुपये डाउन, बीकानेर 6,300, सदौल 6,300, बीकानेर 6,300 और सदौल शहर 6,138, मेड़ता 6,702, नागौर 6,460, रावला 6,155, जयपुर 7,050, दिल्ली 6,800 रुपये। तो जितने भी साथी जुड़े हो भाई, एक एक शेयर का बटन जरूर दबाया करो यार, बड़ा हौसला मिलता है आप एक शेयर करते हो, क्योंकि आपका शेयर करना
काफी लोगों तक वीडियो को पहुंचाता है। मेरा काम सिर्फ एक वीडियो बना देना ही है, बाकी सारा काम आप लोगों ने करना है साथियों। तो पुनः आपसे निवेदन की एक शेयर जरूर करें, और YouTube चैनल है अपना किसान राजा हेयर के नाम से, दिन में फसलों के भाव की अपडेट वहीं करते हैं। आज थोड़ा बिजी था, आज वहां पे अपडेट नहीं कर पाया, कल से कोशिश करेंगे, परसों से मंडे से वहां अपडेट साथियों करेंगे। कल एक स्पेशल लाइव करेंगे शाम को 8:30 बजे, चना और गेहूं के ऊपर, सरसों के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे कि सरसों के बाजार आने वाले दिनों के अंदर साथियों कैसे रह सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।